आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। भाजपा से निष्कासित नुपुर शर्मा ने करीब 2 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। शनिवार को नुपुर गाजियाबाद की रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी में चल रही भागवत कथा में पहुंची। उन्होंने राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर उनका नाम लिए बगैर पलटवार किया। नुपुर ने कहा, हिंदू हिंसक नहीं बल्कि वो है जो हिंदुओं के नरसंहार की बात करते हैं। वो कुछ भी कहे तो वाह वाह, और अगर मैं कुछ कहूँ तो सिर तन से जुदा। ऐसा नहीं चलेगा, हमारा देश अपने संविधान से चलेगा, न कि किसी मजहबी या शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। नुपुर शर्मा ने कहा, ये धर्म इकलौता मेरा नहीं है, ये हम सबका है। इसकी रक्षा केवल मैं करूं, इस लायक भगवान ने मुझे समझा भी नहीं है। लेकिन सनातनियों और हिंदुओं के लिए और कोई देश बचा नहीं है, यह सत्य भी हम सबको पता है। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, ऊंचे पदों पर बैठे लोग यह कह देते हैं कि हिंदू हिंसक है। मैं 2 बात कहूंगी जो मैंने पिछले 2 साल में देखा है। सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई है। फेसबुक व्हाट्सएप पर कुछ ऐसा लिख दिया, लेकिन ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इतने सुरक्षा घेरे में अपनी आजादी गवाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।